ना तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा, बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मलाइज रहेगा, और अननेसेसरी हार्ट बर्न्स भी नहीं होंगे, क्योंकि उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बच्चे की हार्ट बीट जो है वो बढ़ा देते हैं। अपने अपने डॉक्टर से बात करिए, वो आपको कुछ लाइट मेडिसिन या फिर कुछ लाइट ऐसा सिरप दे देंगे जिससे कि आपको। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त गरिमा, और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि जब हमें एसिड रिफ्लक्स होता है या फिर एसिडिटी, गैस जैसा फील होता है, तो क्या हम अपनी प्रेगनेंसी में इनो ले सकते हैं। बहुत ही जनरल और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हम इनो ले लें या फिर हम कुछ सोडा ले लें, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे पास में क्वेरीज आती हैं। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनो के बारे में, क्या हम इनो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में इनटेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या वो सेफ है या नहीं। सो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेगनेंसी में हमें बहुत सोच समझ कर चीज़ें खानी चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सारी चीज़ें हमें डॉक्टर के साथ में डेफिनेटली डिस्कस करना चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर रहना चाहिए अपने खाने पीने के रिगार्डिंग, और इनफैक्ट अपने रूटीन के रिगार्डिंग भी, जिससे कि हमारी हेल्दी प्रेगनेंसी हो और साथ साथ में हेल्दी बेबी हो। अब क्वेश्चन आता है कि प्रेगनेंसी में काफ़ी नॉर्मल है आपको एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, हार्ट बर्न्स होना, खट्टी खट्टी डकारे आना, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे होते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन है कि क्या हम इंस्टेंट रिलीफ के लिए इनो ले सकते हैं। सो इनो आप बिल्कुल प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ग्रोथ डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बच्चे को इरिटेशन होती है, साथ साथ में बेबी की जो धड़कने हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी कर देती है, एंड इंटरनली बेबी को इरिटेट भी करती है अगर आप इनो लेते हैं तो, क्योंकि उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बच्चे की हार्ट बीट जो है वो बढ़ा देते हैं, और साथ साथ में बच्चे की ग्रोथ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आपको इनो इज़ अ बिग नो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब क्या करें अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, जी घबरा रहा है या फिर जी मचला रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने अपने डॉक्टर से बात करिए, वो आपको कुछ लाइट मेडिसिन या फिर कुछ लाइट ऐसा सिरप दे देंगे जिससे कि आपको तुरंत ईज हो जाएगा। साथ साथ में दूसरी चीज़, अपने रूटीन को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रखिए और काफ़ी अच्छा रूटीन फॉलो कीजिए, जैसे कि छोटे छोटे इंटरवल्स पे आपको खाना है, थोड़ा 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 मील खाना है, ऐसा नहीं है कि एक साथ बहुत ज़्यादा खा लेना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि आपको बहुत लंबे लंबे टाइम तक भूखा रहना है, यानी कि 5-6 घंटे बाद में, 6-7 घंटे बाद में आप इस तरीके से खा रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना। हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद थोड़ा 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 कुछ खाते रहें, जिससे कि आप छोटे छोटे मील्स लेंगे तो वो ईजी टू डाइजेस्ट होगा और अननेसेसरी आपको हार्ट बर्न्स नहीं होंगे। तीसरी चीज़, अपने आप को हाइड्रेटेड ज़्यादा रखें, यानी कि प्रेगनेंसी में हर कोई बोलता है, इनफैक्ट डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि पानी खूब सारा पिए। खूब सारा पानी पीने से क्या होगा, ना तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा, बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मलाइज रहेगा, और अननेसेसरी हार्ट बर्न्स भी नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है पानी। सो आपको क्या करना है, हाइड्रेटेड बहुत ज़्यादा रहना है। आप मॉर्निंग में और इवनिंग के टाइम पे आप 1-2 नारियल पानी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप नारियल पानी लेंगे तो पोटेशियम लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो बहुत ज़्यादा नारियल पानी भी लेना है। नारियल पानी लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से डेफिनेटली डिस्कस कर लीजिए कि हम कितना नारियल पानी ले सकते हैं। सो जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, 1-2 ग्लास नारियल पानी आप पूरे दिन में ले सकते हैं। तो नारियल पानी लेने के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। सो नारियल पानी से क्या होता है, आपके एसिड रिफ्लक्स को कंट्रोल करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, आपको हाइड्रेटेड फील करता है, नॉर्म प्रॉपर जो विटामिंस होते हैं वो आपकी बॉडी में जाते हैं, और आपकी बॉडी को कूल डाउन रखता है इससे, जिससे कि आपको हार्ट बर्न्स नहीं हो। तो नारियल पानी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। लास्ट थिंग, आपको वॉक करना है, यानी कि आपने खाना खा लिया तो एकदम से आपको लेटना नहीं है, या फिर आपको है ना खाना खा के एकदम से काउच पे बैठना नहीं। आपको खाना खाने के बाद में छोटा सा मील लिया, थोड़ा सा हल्का सा 10-15 मिनट की आप वॉक कर लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन के आपकी कंडीशन किस तरीके से। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो फिर आप थोड़ा थोड़ा वॉक डेफिनेटली कीजिए, जिससे कि आपकी ओवरऑल जो जर्नी होगी वो काफ़ी हेल्दी रहेगी और आप अच्छा महसूस भी करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा वॉक करना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। एंड लास्टली, आप जब भी लेटें तो लेफ्ट साइड करवट करके लेटें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और आपको अननेसेसरी हार्ट बर्न्स नहीं होंगे। सो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी नॉर्मल प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में
आप अगर इनको इंक्लूड कर लेंगे तो आपके लिए एक हैप्पी जर्नी हो जाएगी और साथ साथ में एक हेल्दी प्रेगनेंसी होगी और कॉन्स्टिपेशन एसिड रिफ्लक्स आपको रिलेटिवली बहुत बहुत कम महसूस होगा। सो मैंने अपनी भी प्रेगनेंसी में यही किया है। कभी कभी अगर हो जाता है देन टॉक टू योर डॉक्टर एंड दे विल प्रिस्क्राइब यू विद द मेडिसिन। सो सिरप आपको वो दे देते हैं जिससे कि आपको आप जो है वो इंस्टेंटली आप ईज आउट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने कमेंट्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।